जी स्टूडेंट्स, अब हमने करना क्या है, हमारे सामने ये जो मॉडल आया है, इस मॉडल को हमने छोटा साइज देना है, क्योंकि अगर अभी आप इसका साइज देखें तो ये बहुत बड़ा आपके पास साइज लेकर आ चुका है, जो कि आपके मॉडल के मुताबिक बहुत ही ज्यादा साइज लेकर आ रहा है। अब इस साइज को कंट्रोल जब तक आप ठीक तरह से नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम सामना करना पड़ेगी। जैसे अभी हमने देखा कि हमने कार का कैसे साइज छोटा किया, सेम वही तरीकेकार यहां पर भी यूज किया जाएगा। इसके लिए आप चले जाएंगे स्केल के अंदर, स्केलिंग के ऊपर आप क्लिक कर देंगे, या अपने कीबोर्ड से आप सिंपली आर प्रेस कर दें, और अब या तो F12 प्रेस कर दें अपने कीबोर्ड से, या इसके ऊपर आप राइट क्लिक कर दें, आपके पास स्केलिंग टूल्स आ जाएगा। अब आप इसको यहां पर स्केलिंग परसेंटेज के मुताबिक आप कम कर सकते हैं। आप कहते हैं ये जो साइज है इसका 50% कम कर आपको साइज दे दे, यानी कि फर्ज करें अगर अभी इसका साइज जो है वो 100 फिट्स का है, जब मैं इसको 50% दूंगा तो ये आपको ये 50 फिट्स करके दे देगा। तो मैं यहाँ पर 50% टाइप कर देता हूँ, जैसे मैंने एंटर किया तो मेरे पास देखें ये साइज आ चुका है इसका। अब आए यहाँ पर इसके एडजस्टमेंट बनाते हैं, और ये मेरे पास बना हुआ आ चुका है, लेकिन मैं कुछ और इसे कम करना चाह रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। और आप कितना कम करना चाहेंगे, अगेन स्केल के ऊपर क्लिक करें, आपके पास स्केलिंग टूल्स आ चुका है, आप इसे कहते हैं मजीद इसको जो है वो तकरीबन 20% आप कम कर दें। बहुत, ये तो बहुत छोटा साइज हो गया, कंट्रोल जी कर दें, आप कहते हैं कि इसको मजीद तकरीबन 80% कम कर दें आप, तो ये देखें ठीक है। तो ये मैंने इधर साइज का ले लिया, यहाँ पे मैं 20% कम करना चाह रहा था और मैंने 20% टाइप कर दिया, इस वजह से ये प्रॉब्लम आई थी लास्ट टाइम। तो अब आपने इसको इधर एडजस्टमेंट कर दिया है, इस तरह से दाएं बाएं से आप देखेंगे क्या आपने जो इसको दिया है वो तमाम सेटिंग परफेक्ट है, बिल्कुल हर एक चीज परफेक्ट आ गई आपके पास, ठीक है। अब इसी तरह से जो आपका दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको आप पिक करेंगे यहाँ पे, जैसा कि मेरे पास ये टूल है और ये है, इनमें से जो भी आपको चाहिए करेक्टर वो आप ले सकते हैं, इसको ही मैंने ले लिया यहाँ पे। इसको सबसे पहले मैं ले जाता हूँ कि मैंने इसको रखना किधर है, आप इसको वो एरिया बता देंगे, इसको आना किधर है यहाँ पे, और बिल्कुल इस जगह इधर इधर को ये मैं इसको इस एरिया पे लाना चाह रहा था यहाँ पे, ठीक है। अपनी सीढ़ियों से थोड़ा सा आगे की जानब, तो फिर स्केलिंग यूनिट्स का ही आप स्केल टूल का ही आप यूज करेंगे। आ जाएं यहाँ पर, आप इसे देते हैं तकरीबन 30% में से साइज दे देता हूँ, तो मैंने उसको बोला तकरीबन 30% लगभग आप इसे कम कर दें, और अब आप इसे मूव कर देंगे ऊपर से नीचे, आपने मूव किया ये आपके पास आ चुका है। आप देखें आपके पास ये किधर आ रहा है, यहाँ पर, तो देखें इसका साइज कुछ बहुत ही ज्यादा मैंने कम कर डाला है। तो अब अगेन आपने अगर इसका साइज बड़ा कर देना, तो अब क्या करेंगे, अगेन आप स्केल के ऊपर जाएं, आप इसे कह दें 120% इसका साइज होना चाहिए, मजीद इसे बढ़ा दें 130% इसका साइज बड़ा होना चाहिए, तो ये नहीं कि अब आप इसको परसेंटेज ज्यादा दे देंगे, तो ये साइज आई थिंक के बेस्ट है। तो जस्ट आपको यहां पर जो है कि इसके साइज की सेटिंग वगैरह करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये मैंने इसकी सेटिंग्स वगैरह दे दी यहाँ पे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप मुख्तलिफ मॉडल्स की मुख्तलिफ पोजीशंस को सेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अगेन मैं आपको यही कहूंगा कि आपके पास मॉडल की कलेक्शन का होना जरूरी है, जो कि आप cgextra.com से आप फ्री डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपको इसके लिए आपको हमसे DVD कलेक्शन हासिल करना पड़ेगी। अच्छा, इसके बाद कुछ और ऑब्जेक्ट इसके अंदर डालते हैं, अगेन मैं फाइल के अंदर जाऊंगा और इम्पोर्ट के ऑप्शन में चला जाता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ कलेक्शंस रखी हुई है आपकी एक्सरसाइज फाइल्स के अंदर, आपको डेस्कटॉप पे जाना होगा, मींस आपको अपने DVD के फोल्डर के अंदर जो कि फोल्डर है आपके पास 3D Max एक्सरसाइज फाइल्स, इसको ओपन करें और मॉडल्स पे चले जाएं। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ, मैंने इसके लिए एक आई थिंक के चेयर एंड टेबल का मैंने रखा हुआ था, आप इसको ओपन कर दें यहाँ पे और ओके कर दें। जैसे आपने इसको ओके किया तो देखिए आपके पास ये आपके पास चेयर एंड टेबल का सेट निकल कर आ चुका है। आप इसको यूज करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं अगेन देख लेता हूँ, आई थिंक दूसरा कोई होना चाहिए मेरे पास, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। तो मैं अब अपने अपने मॉडल क्वेश्चंस के ऊपर निकल कर चला जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने लिए भी एक मॉडल कलेक्शन रखी हुई है, छोटी सी मॉडल कलेक्शन। यहाँ पे जाने के बाद मैं इसे सिंपली, मेरे पास जो है वो आई थिंक ये ऑब्जेक्ट्स के अंदर होगा, और यहाँ पे आप देखें, मैं देख लेता हूँ,
कौन सा चाहिए? तो अच्छा, मुझे जाना हो ग्राउंड ऑब्जेक्ट में, सॉरी ग्राउंड टेबल में आ गया। अब यहां पे मेरे पास दो टेबल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, इनमें से कोई एक आप पिक करें और ओके कर दें। ये मेरे पास मेरी टेबल भी आ चुकी है यहाँ पे, इस टेबल को मैं यहाँ पे यूज करना चाहूंगा। अब सबसे पहली बात वही है, ये आपके पास ग्रुप होना चाहिए जो कि ऑलरेडी आपके पास ग्रुप मौजूद है, इसको लाएं। आप किस जगह पर लाना चाहते हैं? मैं इसको इस एरिए पे, ऊपर से मैंने इसको नीचे ड्रैग किया। अपने पास तमाम सेटिंग बनाने के बाद मैं इसकी एडजस्टमेंट को फाइनल कर दूंगा कि जहां पर भी आप इसको लाना, यहां पर आप इसको लाना चाह रहे हैं, ठीक है। अगेन आप स्केलिंग के ऊपर ही जाएं, इसको आप राइट क्लिक कर दें और इसका स्केल में अगेन 50% लेस कर देता हूं, और साथ साथ एडजस्टमेंट कीजिएगा। देखें आप जिस एरिया पे लगाना चाह रहे हैं, क्या वहां पर 50% परफेक्ट दिखाई दे रहा है, बुरा दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पर मैंने देखा कि बहुत मुझे ये बड़ा दिखाई दे रहा है। अगेन मैं इधर आके इसको मैं मजीद 20% सॉरी मैं इसको मजीद 20% लेस कर देता हूँ, यानी कि 80 मैंने इधर डाल दिया है, और अगेन मैं इसको यहाँ पे 90% कम कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये आई थिंक मेरा जो यहाँ पर स्टाइल है, मीन्स जो टेबल्स हैं, बिल्कुल परफेक्ट आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। और आप देख लें इनकी सेटिंग्स को, यहाँ से जाकर भी आप इसको डाउन कर लीजिएगा जो भी आपकी रिक्वायर्ड है। याद रखिए कि तमाम काम जो है आपकी वो रिक्वायरमेंट की बेस के पर जा रहा है, ठीक है। ये भी हो चुका है, कंट्रोल एस साथ साथ प्रेस कीजिएगा अपने कीबोर्ड से। अब हमने एक और इसके अंदर कोई मॉडल्स वगैरह हम डालना चाहते हैं। इस तरह मैंने क्या किया था, लास्ट में मैंने कुछ मैक्स की फाइल को मैंने यहाँ पर लाकर डाला था, मर्ज किया था। यानी ये तो क्या हो रहा है, 3D मॉडल्स में ला रहा हूँ। अगर आपके पास मैक्स की कोई फाइल है ऑलरेडी, उसको भी मर्ज कर लेते हैं इसके साथ साथ। मैं क्या करूंगा, मर्ज के अंदर चला जाऊंगा और यहाँ पे अगेन आप अपने एक्सरसाइज फोल्डर के अंदर चले जाएं और यहाँ पर आप जाएंगे मॉडल्स पे, और मॉडल पे जाने के बाद मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, मॉडल पे तो नहीं है, आई थिंक मैंने इसको भी चेक करना पड़ेगा। मैं चला जाता हूँ 3D मॉडल पे, मैं मॉडल्स पे गया और यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ से आप इसको करना क्या है, सॉरी यहाँ पे चले जाएं, मर्ज के अंदर आ जाएं, ठीक है। इसी फोल्डर में रहते हुए मैं अगेन आ गया यहाँ पे और 3D मॉडल्स पे, ये रहा मेरा बर्ड का, ठीक है, पहले नहीं था, मैंने अभी इसको ऐड किया है। तो वहाँ को सिलेक्ट करें और इसको आप ओके कर दें। अब आपके पास इधर ऑटो, इसे क्या कहता है कि ये जो मटेरियल है, ये जो नेम है आरडी यूज है, मैं इसे कहता हूँ आप इसे क्या कर दें, यहाँ पर अप्लाई टू ऑल डुप्लीकेट और ये इसे ऑटो रीनेम कर दें यहाँ पे से, ठीक है। अब क्या हुआ, मेरे पास कुछ मॉडल्स आ गए हैं। अगर अपने माउस को आप इधर लेकर जाएं यहाँ पे, और सबसे पहला काम तो आप क्या कर लें, इसे ग्रुप कर दें। मैंने इसको ग्रुप कर दिया, ग्रुप में से देता हूँ बर्ड के नाम का, क्योंकि मैंने कुछ बर्ड पिक किए हैं यहाँ पे। और फिर अगेन मैं इधर आ जाता हूँ, अगेन आप इधर आ जाएं तो बेहतर ये, इसको अगर आप टॉप व्यू से काम करेंगे आपके पास बहुत क्विकली काम होगा। अगेन देखिए मेरे बहुत छोटी छोटी सिलेक्शन है, शायद आपको दिखाई भी दे रही होगी कि नहीं, लेकिन ये मैंने ये यहाँ पर मैं से लेकर आया। जी में प्रेस करूँ तो देखिए मैं इधर आ गया हूँ सीधा। अब आप इसका स्केल थोड़ा सा बढ़ा दें, क्योंकि ये बहुत कम स्केल है जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा। अब स्केल बढ़ाने का मेथड क्या है, क्या है, आप इधर आ जाएं, इसको कहते हैं मुझको 150% इसको हाई कर देना है। अगेन देखिए कम दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको 300% बढ़ा देता हूँ। तो अब मेरे पास कुछ जो साइज है वो रीजनेबल मुझको दिखाई दे रहा है, मीन्स कि आपने वो इधर साइज रखना है जो कम से कम आपको नजर तो आए ठीक तरह से। तो ये रहा, थोड़ा सा और बढ़ाना चाहूंगा मैं इसे, तकरीबन 100% मजीद बढ़ाना चाह रहा हूँ। तो अब मेरे पास ये साइज हो चुका है, देख लेते हैं कि ज्यादा डिस्टर्ब तो नहीं करेगा ये हमारा साइज, ठीक है। एनी हाउ ये समझाने के लिए था जो कुछ भी था। अब मसला क्या है कि इन बर्ड्स के ऊपर इनके मटेरियल अप्लाई नहीं है। अब इनके मटेरियल भी आपके पास इसी फोल्डर के अंदर मौजूद हैं। अब हमने क्या करना है, इनके ऊपर अप्लाई करना है, ये ग्रुप है, तो आप क्या करेंगे, ग्रुप को ओपन करें अपने पास। ओपन किया, फर्स्ट वाले बर्ड को सिलेक्ट करें, एम फॉर मटेरियल पे चले जाएं, मटेरियल पे जाएं। याद रखिएगा ज्यादा स्लॉट्स यूज ना कीजिएगा। आप देखें एक ही स्लॉट के अंदर मैं तमाम की मटेरियल अप्लाई करके बताता हूँ बगैर मल्टी मटेरियल के। मैं मटेरियल पे गया और पिट मैप में गया, इसके बाद मैं चला जाऊंगा डेस्कटॉप, मींस एक्सरसाइज फाइल के अंदर आप चले जाएं
और 3D मॉडल्स के अंदर आप चले जाएं, आप इसको थंबनेल कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये रहा इस ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया, देखिएगा तो देखिए 100% परफेक्ट इसके ऊपर नजर आ चुका है। हत्ता कि ये लो पोली है, लेकिन हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, लो है कि हाई है, जस्ट आप इसको यहाँ पर सेटिंग कर देंगे। तो ये मैंने इसकी सेटिंग यहाँ पर कर दी। ठीक है जी। अच्छा, अब जब ये इसके ऊपर आपका मटेरियल अप्लाई हो चुका है 100%, जो कि आपके फोल्डर के अंदर मौजूद होगा, अगर नहीं है तो फिर तो नहीं हो सकता। जब हो जाए, अब आप इसको क्या करें, डिलीट कर दें और ओके कर दें। देखिए मैंने डिलीट किया, ओके भी कर दिया। इससे फायदा क्या होगा, आपकी स्लॉट्स बहुत कम यूज होंगी, मटेरियल स्लॉट जो हैं। अगेन मैं यहां पर ही इसी को सिलेक्ट करते हुए बिट मैप का यूज करूंगा, और मेरे पास बुलबुल चिड़िया आ चुकी है, तो मैं इसको यहां पे ले लेता हूँ। ठीक है, ये देखें, अब देखें अभी आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से जो नेक्स्ट वन है पिजन, इसको ले लें, और इसका तो मटेरियल में बाय बाय करता हूं ना, बाय बाय। अगेन इधर आ जाए, इसको पिक कीजिएगा, बिट मैप और थंबनेल चूज कर लें, ये रहा पिजन, आ जाओ। ठीक है जी, तो इस तरह से आप यहाँ पर मल्टी मटेरियल अप्लाई भी कर सकते हैं अपने पास। अब जैसे आपके पास ये दो शेप है, इनके लिए भी आपके पास मटेरियल मौजूद है, लेकिन मैं इनको यहाँ पर लेना नहीं चाहूंगा। तो इस तरह से बढ़ के हम लोग सेटिंग कर रहे हैं अपने पास। वापस आप ग्रुप को क्लोज कर दें थोड़ी देर के लिए, सिलेक्ट कीजिएगा, मैं इसे बंद कर देता हूँ मटेरियल स्लॉट को, और ग्रुप को मैंने क्लोज कर दिया। क्लोज कर देने के बाद आप सिलेक्ट करें सबको, ये हुआ, और सिलेक्शन में कुछ बनाए देता हूँ। ठीक है, ये मुझे कुछ इस तरह से चाहिए। अगेन मैं ग्रुप को ओपन कर देता हूँ यहाँ पे, ग्रुप ओपन किया। अब आप इसके अगर मजीद कॉपी लेना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आपके पास ये बर्ड है, इनकी आपको मजीद कॉपी चाहिए, तो आप क्या करें, शिफ्ट के थ्रू आप इसकी कॉपी ले सकते हैं। जैसे कि ये मैंने दूसरी कॉपी ले ली है, इसको मैंने कॉपी किया और रोटेट करवा देता हूँ। वैसे आर प्रेस, सी प्रेस कर दें अपने, सॉरी ई प्रेस कर दें, तो ये देखें मैंने ये ले ली। चिड़िया को मैं मूव करना चाह रहा हूँ यहाँ से, सिलेक्शन दे दें, और ये आपने इसको दे दिया, जैसा कि आपने देखा था हमारे एक्सरसाइज के अंदर कि मैंने इसको एक चेयर के ऊपर रखा हुआ था। आप जेड प्रेस करके बिल्कुल इसके पास चले जाएं, जो चीज सिलेक्शन होगी आप बिल्कुल उसके पास जा सकते हैं। ये अभी भी चेयर बहुत दूर है इससे, ये देखें अभी भी बहुत दूर है, बहुत दूर है। आई थिंक अभी इसके साथ ही आ चुका है। ये किया, नीचे की तरफ और इस तरफ ले जाएं इसे। अब देखें ये रहा, ठीक है, इसको आप रोटेट करेंगे, ये मैंने इसको रोटेट करवाया। लेकिन याद रखिएगा, ये चीज़ इतनी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मैं यहाँ पे, मुझे ये अच्छा लग रहा है ऐसे, मैं अपनी शौक की खातिर जैसे इसको ये बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ये चिड़िया कुछ यहाँ पर ऐसे आ जाए। ठीक है, अब ऐसे दिखाई देगा जैसे कि ये एक उसके ऊपर बैठी हुई, अपना चेयर के ऊपर आके पास बैठी है। ठीक है जी, इसी तरह से हर एक ऑब्जेक्ट को आप मुख्तलिफ जगह पर लेके जा सकते हैं। इनको भी ये मैंने इधर कर दिया, और पिजन को ही मैं यहाँ पर ऐसे छोड़ देता हूँ, तो ये आपके पास कुछ ऐसे लुक करेगा। इसी तरह से कंट्रोल एस करें, साथ साथ कुछ और ऑब्जेक्ट अगर आप पिक करना चाह रहे हैं, तो बेसिक मकसद जो है स्टूडेंट्स, वो आपको ये बताने का है कि अपने पास आप मुख्तलिफ 3D मॉडल्स को इसके अंदर आप डाल के मजीद आप बेहतर से बेहतर बनाते जाएंगे। और याद रखिए, मैं नीचे नीचे स्टोरी के ऊपर काम कर रहा हूँ, ऊपर आपको खुद काम करना है। इसी तरह से अगेन एक लास्ट वन ऑब्जेक्ट में देख लेता हूँ, मैं इम्पोर्ट के अंदर गया, और अब मैं 3D मैक्स के फाइल के अलावा मैं उठाऊंगा 3DS मॉडल्स को उठाने जा रहा हूँ। तो ये मेरे पास एक हॉर्स का मॉडल था, ओके कर देता हूँ यहाँ पे, मैं इसको यस कर देता हूँ, तो वाह, बहुत बहुत बिग 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 बिग, कोई मसला नहीं। स्केलिंग के ऊपर आ जाए, यहाँ पे राइट क्लिक किया, मुझको इसको कर देना है 20% साइजेस का छोटा। और अब आप टॉप पे चले जाएं, थोड़ी सी टॉप से सेटिंग देख लेते हैं कैसे करते हैं। टॉप पर आ जाएं, देखिएगा टॉप पे कितना इजी काम है, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। आपने कहा इस जगह पे, और ये इस जगह पे, मुझे इस जगह पे लगाना है। लेफ्ट व्यू चूज करेंगे आप इसके लिए, लेफ्ट व्यू में जाएं एल प्रेस करने से, और इसे आप कह देते हैं कि ये हमारी ग्राउंड के साथ टैच हो जाए यहाँ पे, और पी प्रेस कर दें, जेड प्रेस कर दें, आप इसके बिल्कुल पास चले गए हैं। अगेन देखें, आपके पास आपका इसका जो साइज है बहुत बड़ा है। अगेन आप स्केलिंग का यूज करें, राइट क्लिक करें इसके ऊपर, और अब यहां से मैं अगेन इसको तकरीबन 30% छोटा करना चाहूंगा, तो मेरे पास ये एक
मकूल सा साइज बना हुआ आ रहा है, जस्ट मैं इसको यहाँ पे मेंशन करना चाह रहा हूँ कि हमारे पास इस तरह का एक यहाँ पे एक मॉडल। अब देखें इसकी, अब अगर पीछे देखें इस तरह, तो इसको मुझे रोटेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। रोटेट के ऊपर चले जाएं, जैसे मैं रोटेट करूँगा, यस परफेक्ट, मीन कि ये आपका एक स्टेचू मॉडल खड़ा है यहाँ पे आपके पास ऐसे। ठीक है, समझ गया इस चीज़ को जी। तो ये आपके पास एक और चीज, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो है वो कहीं बल्ब एक होना चाहिए, कोई अच्छा सा फेनूस होना चाहिए जो मैं यहाँ पर एक दो जगह पर लगा सकूँ। तो अगेन कंट्रोल एस पर प्रेस करें अपने कीबोर्ड से, और फाइल इंपोर्ट, और यहाँ पर ही मैंने रखा होगा रूफ लाइट के नाम से आपके पास। ठीक है, ओके कर दें इसे, और यहाँ पे कहते हैं मर्ज ऑब्जेक्ट, यस डेफिनेटली, और मर्ज और यस करते हैं इसे। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट आपके पास आया है, जब ये ऐसे मुख्तलिफ सिलेक्शन में हो तो बेहतर ये है इसको आप ग्रुप कर दिया करें। मैं इसको रूफ लाइट, मैं इसको रूफ लाइट का नाम दे देता हूं, और अगेन आप देखें टॉप व्यू में जाऊंगा, टॉप व्यू पे के जेड प्रेस कर दें, और देखें आपका ऑब्जेक्ट किधर है, यहाँ पे छोटा सा नजर आ रहा है आपको इसके पीछे। अब ये बहुत बड़ा साइज है इसका, पी प्रेस कर दें अगेन, मैं इसको परस्पेक्टिव व्यू पे चला गया, पी प्रेस कर दिया, तो हम चले जाते हैं स्केल के अंदर। तो यहाँ पर मैं जाकर फौरन इसे 10 का स्केल दे देता हूँ, 10 का दे दिया स्केल मैंने इसको यहाँ पे, और देख लेता हूँ कि अब ये 10 कुछ ऐसा है। अगेन आप जाएंगे यहाँ पे टॉप पे चले जाएं, जेड प्रेस कर दें, और अब भी ये आपको बहुत देखें बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन एडजस्टमेंट बना लेते हैं हम इसकी। मैं इसको इस एरिया पे लगाना चाहूंगा, ठीक है, एल प्रेस कर दें, लेफ्ट व्यू में आ जाएं, एल प्रेस कर दें, सॉरी जेड प्रेस कर दें, और ऊपर से उठाकर नीचे की तरफ लेकर आ जाएं। आप इसे कुछ यहाँ पर लगाना चाह रहे थे, ये एरिया था, ठीक है, जेड प्रेस करें। अगेन आप स्केल का यूज करेंगे स्टूडेंट्स, मैं फिर से कहता हूँ तकरीबन 30% मजीद छोटा करें, अगेन इसको 30% पे ले आए, तो इस तरह से आप इसका साइज छोटा करते करते अभी भी देखिए मेरी रिक्वायरमेंट मुताबिक बहुत बड़ा साइज है इसका, क्योंकि मॉडल्स होते हैं मुख्तलिफ साइज होता है इसकी, फिर साइज की हमें सेटिंग वगैरह करनी पड़ती है। अगेन मैंने 30 किया, अब आई थिंक के मेरे इधर रूफ के साथ देखिए बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। टी प्रेस कर दे, और यहां से सिंपली F3 प्रेस कर देंगे, तो देखें आपको मालूम हो जाएगा कि किधर जा रहा है। मैं क्या कर लेता हूँ, एक यहाँ पे, नहीं यहाँ पे, यस एक यहाँ पे लगा देता हूँ, और दूसरा मैं एक यहाँ पे लगा देता हूँ कॉपी, हालांकि यहाँ पर होता नहीं है एनी हाउ, और एक यहाँ पे हम लगा देते हैं कॉपी कर देते। ठीक है, अब आप इसको पर्सपेक्टिव व्यू से जाकर देख सकते हैं, मैं इधर आ गया, ठीक है, F3 प्रेस कर दें अपने कीबोर्ड से, तो अब देखें ये आपके पास इधर फिनूस भी पर आपके पास ड्रॉ होकर आ चुके हैं, देखें आपके पास ये आपके फिनूस भी आ चुके हैं अंदर। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप अपने पास मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को मैक्स के अंदर स्टेप बाय स्टेप्स ऐड करते हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज भी लगाना चाह रहा था, मेरा दिल कर रहा है कि दरख्त वगैरह लगाना चाहूँ कि अगर मैं यहाँ, तो वो कैसे लगाऊंगा, क्योंकि उसके अंदर भी आपको एक एग्जाम्पल छोटी सी देना चाह रहा था। सबसे पहले तो हम ऐसा कर लेते हैं, जो हमारी स्टेयर्स हैं यहाँ पर हम छोटे छोटे पॉट्स ले आते हैं, तो इंपोर्ट करते हैं अगेन। ये तमाम काम जितना भी है सिर्फ और सिर्फ आपकी मॉडल कलेक्शन पे डिपेंड करता है, और कुछ भी नहीं। तो मैंने अगेन प्लांट ले लिया यहाँ से, ओके कर दें इसे, और फिर देखें आपका प्लांट आ चुका है यहाँ पे, इसको ऐसे बाय मूव करें, मैंने मूव किया, और आप देख लेते हैं क्या था, लाइट्स को ऑफ कर दें, लाइट्स मुझे नहीं चाहिए, कैमरा मुझे नहीं चाहिए, और देखते हैं हमारा प्लांट किधर है, कंट्रोल ए प्रेस कर दें, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है डॉट, जेड प्रेस करें, तो ये आपका प्लांट रहा। ठीक है, ये तो मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक और रखा था उसको मैं लेना चाहूंगा। तो अगेन मैं फाइल के अंदर चला जाता हूँ, इम्पोर्ट के अंदर चला जाता हूँ, और मैं देख लेता हूँ कौन सा वाला होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये है फ्लावर, ठीक है आई थिंक यही है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ और ओके करता हूँ। ये मेरे पास रेड फूल होंगे, देखें ये मेरे पास रेड फूल आ चुके हैं यहाँ पे। अब करना क्या है, अगेन इसको आपको इसका कुछ साइज जो है वो सबसे पहले आप छोटा करें,
मैंने इसको यहाँ पे मैंने कह दिया मुझे इसको 50% छोटा साइज चाहिए होगा, 50% से छोटा कर दिया है, और कुछ ऐसे यहाँ से कुछ इधर और कुछ यहाँ पे आ जाए, जेड प्रेस कर दें तो देखिए बहुत बड़ा साइज है। अगेन आप स्केलिंग में जाएंगे तो स्टूडेंट्स आपको ये जो साइजिंग होती है, आई थिंक अभी तो आप बेस्ट समझ गए होंगे आसानी से कि हमने करना क्या है। ये देखिए कंट्रोल जी, इसको ग्रुप रखिएगा वरना ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अच्छा अब मैं चाहूँ तो इसको मैं गुलदस्ता भी बना सक गुलदान बनाकर इधर लगा सकता हूँ, चाहूँ तो इसको मैं टेबल पे लाकर रख सकता हूँ। अब ये हमारी अपनी रिक्वायरमेंट था कि हम इसे कैसे करना चाहते हैं, हम इसे कैसे रखना चाहते हैं। देखिए अभी ये जो जैसे शेप पे है, ये एक मेरे पास गमले की शेप पर आ रहा है, यहाँ पे 50% छोटा कर दें इसका साइज, और अगेन मैं इसको 10 तकरीबन 50% छोटा करके अब मैं इसका जो है वो चेंज कर देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि ये जो था ये हमारी यहाँ पे टेबल के ऊपर सजने के लिए रेडी है। इतना बड़ा साइज नहीं, कभी भी नहीं, यहाँ पर आ जाए। अगेन यार एक तो तुम्हारा साइज जो है ना, तो ये ले चले, मैंने इसको यहां पर रख लिया, ठीक है जी, कंट्रोल एस। इसी तरह से आप अपने पास इधर स्टेप्स वगैरह पे भी प्लांट्स वगैरह लाकर रख सकते हैं आसानी से अगर आप कोई लाना चाहें तो, लेकिन ये तमाम चीजें आपको अवेलेबल है हमारी उस डीवीडी के अंदर जिसका नाम मैंने रखा है 3D मॉडल कलेक्शन। अच्छा इसी तरह से यहां पर कोई दरख्त वगैरह लगाना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, मैक्स का अपना टूल्स होते हैं AEC, यहाँ पर आ जाएं, फॉलेज एज पे चले जाएं, और मुख्तलिफ किस्म के आसपास यहाँ पर स्टाइल्स मौजूद हैं, आप इनमें से भी कोई लगाना चाहते हैं जस्ट यहाँ पर लाकर क्लिक करें तो वो आपके पास आपका रेडी लग जाएगा। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, खजूर का एक दरख्त ले लेता हूँ और एक यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये देखें मेरे पास बहुत बहुत बड़ा दरख्त आ जाएगा। आने दे, मॉडिफाइड पे आप जाएं, आपके पास यहाँ पर हाइट है, मुझको इसकी जो हाइट है वो कम कर देनी है, मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ नीचे की जानब। कुछ इतनी होनी चाहिए थी हाइट जो मैंने ले ली है, ठीक है। अब इसकी सेटिंग बनाते हैं, अगेन इधर आ जाओ या इधर आ जाओ, ये यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसका स्टाइल मुझे पसंद नहीं है, ये टेढ़ा मेढ़ा है, तो मैं इसका स्टाइल के लिए आप क्या करेंगे, न्यू शीट्स पे क्लिक कर डालें, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ठीक है ये मुझे पसंद है, एक यहाँ पर होना चाहिए था, और शिफ्ट को प्रेस करते हुए आगे जन्म लेके एक और में यहाँ पे ले लेता हूँ आगे की जाना। अब डेफिनेटली दोनों जो हैं वो एक एक तरह के नहीं हो सकते कभी भी, शायद इनके अंदर कोई फर्क हो। अब वो फर्क हमने बनाना है, वो तो कैसे बनाते हैं बताता हूँ मैं आपको, पहले इसकी कॉपी की सेटिंग कर लूँ। मैं ये कहता हूँ अब इसकी शेप और इसकी, और इसके लिए फिर आप जो सिलेक्टेड है आप सीट पे क्लिक करेंगे तो देखिए डिफरेंट शेप आपके पास बनी हुई आ जाएगी, यहाँ पर आपके पास इसकी डिफरेंट शेप बनी हुई आ चुकी है। अब देखिए आपको कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके अंदर बेशुमार 3D मॉडल्स, बेशुमार आप ऑब्जेक्ट्स डाल सकते हैं जिसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें यहाँ तक हमारे पास हो चुकी हैं। तो स्टूडेंट्स अब मैं आई होप कि आप मेरा इस लेसन का मकसद समझ गए होंगे, हम मुख्तलिफ मॉडल्स कलेक्शन उठाकर एक जगह पर रखकर अपने घर की इन्वायरमेंट बनाते हैं। इनशाला नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होता हूँ, उस वक्त के लिए मुझे इजाजत दें। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू जुबान में स्टेप बाय स्टेप सिखाए जा रहे हैं। एट द एंड में एक्सपी अकेडमी की जानब से ही आपको एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया DCS आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। स्टूडेंट्स अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन चाहिए तो प्लीज कॉल करें 0343-901-777-9 पे, और ईमेल करें, ईमेल करने के लिए हमारा एड्रेस xpacademy@ymail.com, स्काइप पे ज्वाइन करें, हमारा स्काइप का आईडी xpacademy और फेसबुक का भी आईडी xpacademy। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, अगर मेरे अल्लाह ने चाह तो नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होता हूँ, उस तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।